अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए थे तनावल। अम रियासत जो थी वो 1896 में सिखों से इन्होंने फतह की थी। इन लोगों ने, ये हज़ारा के जंगजू लोग थे, तो तब से ये रियासत कायम है। और अगर पूरे पाकिस्तान का जो हिंदुस्तान में खालसा रियासत को अंग्रेज़ों से पहले किसी ने शिकस्त दी थी तो वो ये लोग थे, हज़ारा के ये लोग थे। इन्होंने शिकस्त दी थी और इन्होंने यहाँ पे कई ज़माने पे वो किला इस्तेमाल किया। उसके बाद किला डिमोलिश करने के बाद ये जो मेरे बैक पे किला है ये इन्होंने बनाया। तो हम जुनेद भाई और पाकिस्तान जिंदाबाद की टीम के साथ आए हुए हैं। वो यहाँ थोड़ा डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें मैं भी थोड़ा सा इस इलाके को एक्सप्लोर कर देता हूँ। ये बहुत खूबसूरत इलाका है। ये रियासत दो हिस्सों में तकसीम थी, दरिया के इस पार उस पार। फिर कुछ पॉलिटिकल गेम्स हो गई और 1969 में जहाँ पे पाकिस्तान की सारी रियासतों ने एनेक्जर किया था, तो इस रियासत को भी एनेक्स कर दिया था गवर्नमेंट के साथ। लेकिन इस रियासत के साथ थोड़ा सा मिसहैप हो गया। इसको लोकल पॉलिटिशियंस कुछ थे, उन्होंने अपना हल्का बंदी करने के लिए इस रियासत का जो है तारीख में कोई ज़्यादा ख़ास जिक्र नहीं है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं थी, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग रियासत थी और कायदे आज़म के साथ इनके नवाब साहब के बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशंस थे। तो ये जहाँ बैठे हैं ये किला 200 साल पुराना है, यानी 200 साल तो बने हुए इस शक्ल में हो गए हैं। इससे पहले यहाँ रणजीत सिंह का किला होता था, वो फिर नवाब मोहम्मद अक्रम खान ने उस किले को गिरा के जिसमें पहले हमारे बुजुर्ग रहते थे जी, तो इसको इस शक्ल में बनाया। इसको फतह किया था उन्होंने सिखों से, इस जगह को। जबकि रणजीत सिंह ने पूरे पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान, इस पर हुकूमत की है, लेकिन तनौल पर हुकूमत नहीं कर सका। सरदार गाजी पाइंदा खान बल्कि उसकी उस पर हमले करता था, जाके गजा करता था, मतलब उनका वो होता था जहाद गजा, उनके वो चलता रहता था। तो इस कौम की हिस्ट्री आप देख रहे हैं, इस इलाके की हिस्ट्री, अगरोर तौरगर पखल का इलाका, पखल अब वो इनका कैप्टन रहा है, क्या कहते हैं, दुरानियों का भी, तुर्कों का भी। तो ये इलाका हिस्ट्री से भरा हुआ है। लेकिन नावल एक बड़ा ही इसमें रिच माशाल्लाह कल्चर है, इसका बड़ी रिच पुरानी हिस्ट्री है। मकामात ऐसे हैं कि कहीं आप गए होंगे, कहीं आप अभी जाएंगे, एक जगह तो आप बैठे हुए हैं। इसकी खूबसूरती को आप देख लें, बिल्कुल तनौल में अल्लाह की दियो, अल्लाह की मेहरबानी हो, सब कुछ है। हमारा प्रॉब्लम ये होता था कि हमारी असम्बलियाँ, काश अगर उस जमाने में एक भी 5 साल में मिल जाते तो हम कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन साल डेढ़ साल में असम्बली टूट जाती थी, 58-2 बी ग्लज। तो तनौल के हवाले से ये है कि देखें, यहाँ तरबेले झील आपके पास है, गो के वो 12 महीने नहीं रहती जी, लेकिन काफ़ी अर्सा उसमें ये होता है कि झील मुकम्मल होती है, वाटर स्पोर्ट्स हो सकती हैं, उसमें आप पैरा ग्लाइडिंग
उसमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स जो दुनिया में है, फिर यहाँ पे आप ये सब चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसकी हिस्ट्री जो आप अगर देखें ना, ये कैद आजम के लेटर्स है नवाब मोहम्मद फरीद खान के नाम, और ये एक खत है नवाब साहब का कैद आजम के नाम। ये लियाकत अली खान है, ये लियाकत अली खान की बेगम है, हाँ वो नवाब साहब है, बीच में दादा मेरे। ये दरबंद की तस्वीर है, प्राइम मिनिस्टर बन के यहाँ आए थे वो। ये ओकनलेक अब स्टेट आर्मी इसको सलामी दे रही है, गार्ड ऑफ ऑनर। हाँ गार्ड ऑफ ऑनर है ये हमारी स्टेट आर्मी, अब स्टेट की तरावल की रियासत की आर्मी ये है। जब आप पहली दफ़ा MNA बने तो आपकी एज कितनी थी? आपसे कम। आपकी उम्र क्या है? मेरी 27 साल। 27 साल जी। 25 साल लिमिट होती है नेशनल असम्बली के लिए, सूबाई के लिए, तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया हाई कोर्ट ने, तो अंडरेज हो जी 25 से कम। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बहाल कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान के कम उम्र तरीन MNA। आज भी रिकॉर्ड मेरा है। पीछे नवाब साहब का जिरगा लगा हुआ है। इन इलाकों में जिरगा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। अभी भी लोग बड़े फैसले अपने बड़ों से करवाते हैं, अदालतें और इन चीज़ों में नहीं जाते। जिरगे सिस्टम का बहुत अच्छा निज़ाम है यहाँ पे। अभी भी देख रहे हैं आप पीछे नवाब साहब ज़मीन पर बैठे हुए हैं और लोगों के मसले मसाइल सुन रहे हैं। तो ये इस जगह का कल्चर है, तारीख़ है। लोग यहाँ पर, यहाँ के जो नवाबीन थे वो क्योंकि इसी कौम में से थे, तो वो लोगों के साथ बैठ के उनके मसले मसाइल ज़मीन पर बैठ के तय कर देते थे। हालांकि यहाँ पे इनका बहुत अच्छा ड्राइंग रूम है, बड़ा हिस्टोरिक ड्राइंग रूम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लोगों के साथ ज़मीन पर बैठ के और वो ये कर रहे हैं। जितने भी कौम हैं वो ऐसे सारे तनोलियाँ पाए उस पर सही देना आमीन, कोई कौम भी है समझे ना, तनोल पर रहना असी जड़े हैं सारे तनोलियाँ, तो असा अपने कौम का गलत भी करते हैं, अपने इलाके का भी करते हैं, अपने मजहब तब करते हैं, और इंशाल्लाह यही तनोली कौम है जी 47 में गज के मतलब कश्मीर में लड़ी है 48 में, ये वही कौम है समझे ना। तनोली और तनोली है भी बहुत बड़ी कौम, और तनोली को बादर कौम दूई अल्लाह से मेहरबानी ना कोई है भी नहीं।